मम्मा पराठा क्यों देते हो? सॉरी बोल तो रही हूँ चीकू। आज वो लैंड होएगा मून पे। ओ भाई ट्रक में डूबा हुआ है। खाना नहीं खाया होगा ना, इसकी हड्डियां तोड़ मेरे। मैं खतरे की घंटी हूँ। बिल्कुल चीकू जैसी लगती है ना। शर्म आ रही है इसको। हाँ जी मैं तुमको कहूँगा। किसे मतलब आ रहा? 3,000 रुपए मांग रहे और बोल रहे हैं कि बदतमीज बच्चा एक नंबर का, लोगों को परेशान करता है, इसे मैनर सिखाओ। पढ़ाते हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज गए हैं 7, मैं उठ चुकी हूँ, आंखें ढंग से खुल नहीं रही है क्योंकि रात को सोते सोते बहुत ज्यादा लेट हो गया। तो अभी जस्ट चीकू के लिए बढ़ा देते हैं लंच और कर देते हैं इसका लंच पैक, और तब तक पानी जो है मैंने गीजर जो है ऑन कर देती हूँ। आज क्या हुआ? मुझसे मत पूछो, मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी, साफ सीधी बात। आज गोलू मम्मा ला रही है, इसलिए मजेदार है। यहाँ बच्चों के साथ दोबारा भी उठ चुकी है। हांजी गुड भाई, हांजी गुड भाई, क्या हुआ? क्या दे रहे हो? खाने के लिए दे रही हूँ पराठा और पनीर की सब्जी। मम्मा पराठा क्यों देते हो? बेटा कल तो आपको हो दिया था आलू और छोले और चावल। तो गाइस इसको, इस लड़के को ना परांठे बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब रोटी से इसको इतना बैर हो गया, इसको रोज ही चावल छोले राजमा छोले ये चाहिए। अब मैं कहाँ से इसको रोज रोज बना के दूँ। चीकू हमसे नाराज क्योंकि हमने रात को ना बार्बी डॉल बनाया था, तो हमने इसे उठाया नहीं। इसने बोला था जब आप रेडी हो जाओगे उठा देना, और हमने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इसकी नींद पूरी हो जाएगी, सुबह स्कूल जाना होता है, इसलिए नहीं उठाया। पर अभी हमसे नाराज है, अब इसको समझ नहीं आ रहा है कैसे मनाए। सॉरी चीकू, पर क्या है ना, आपको स्कूल जाना था बेटा, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सॉरी बोल तो रही हूँ चीकू, इतनी नाराजगी किस चीज की है यार, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो गाइस मैं स्कूल के लिए रेडी हो गया हूँ, अभी जाते हैं स्कूल पे। गुस्सा हो गई? अभी जाते हैं स्कूल पे। गुस्सा हो क्या? हो गया लंच, लंच पैक हो गया। लंच पैक पनीर की सब्जी है ना, गरम गरम है। चलो चलो बाय बाय बाबू। बाय बेटा, आज बेल्ट नहीं मिली, कल मैं ढूंढ के रखूंगी बेल्ट। क्यों नहीं मिली? नहीं मिली, अब जाओ 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 जाओ। बाय बेटा, बच्चों फटाफट भगा लो। अरे छोड़ छोड़ कर लो, मैं स्कूल में लेट हो गया। टेस्ट है आज कोई आपका? नहीं। पक्का बता दो? हाँ नहीं है। तो गाइस मैं तो सो गया था, मम्मा ने ना मुझे लेट कर दिया क्योंकि मम्मा नहीं सोए थे। और आज बहुत स्पेशल डे क्योंकि रॉकेट लॉन्च हुआ था जब सर्दी आती, तो आज वो लैंड होएगा मून पे। तो गाइस बहुत अच्छे से मैं आ गया हूँ स्कूल, अभी आता है स्कूल और आपको मिलते शाम को। तो गाइस आज तो सुबह उठना इतना मुश्किल हो रहा था बहुत ज्यादा फिर भी, और बारिश इतनी तेज होती है, हमें पता ही नहीं था कि बाहर बारिश हो रही हो। तो बाद में जब चीकू स्कूल के लिए निकल गया ना, तब पता चला कि बारिश हो रही है बहुत तेज, और अभी तक भी बारिश हो रही है गाइस। और सुबह ना इतना मुश्किल हो गया था उठना। क्यों हो गया था? क्योंकि कल रात को ना 3 बजे तक सोए हम, और 3 बजे तक सोए और सुबह 7 बजे उठना था। 3:30 4 बज गया था, फिर 7 बजे चीकू के लिए उठे, उसको स्कूल भेजे, और उसके बाद से अब उठे हम, और अभी बज चुके हैं 1:00 बजे, हमारी नींद खुली है। पायल दी आपके लिए गिफ्ट लेके आई। खाना नहीं खाया होगा ना, इसकी हड्डियां तोड़ मेरे। सुबह सुबह उठ के इसके लिए ना इसने फ्रूट खाया, बनाना खाया है, नाशपाती नहीं खाई। लंच मुझे लगता है इसने पूरा ही नहीं खाया। अरे वाह खा लिया भाई, सब्जी सब्जी छोड़ दी। वेरी गुड, डर क्यों गया है? चलो इसी बात पे भी चीकू को एक काम करते हैं, आज लेके चलते हैं वी लव टॉयज पर। yeah! Yeah! हड्डियों को सुरमा बनाने डाल दे। मेरा स्पाइन हिल हुआ है, तेरा बहुत दिन से नहीं, तेरा होना चाहिए। चीकू जिसने बोला आई लव टॉयज में जाएंगे वो ही अब कचुंबर बन रहे। मैं मरने वाली हूँ, मेरे को याद रखना दुआओं में। अच्छा चलता हूँ। चीकू को लग गई क्या? लगी है मेरे साथ। वो खतरे की घंटी के बाद मत जाए घर, जब उसके बाद जाता है कोई चोट लग जाती है। मैं खतरे की घंटी हूँ। लो इसको भी ले जाओ, दोनों को ले जाओ, एक को ले जाओ, एक को कर ले जाओ, एक एक को लेके जाया करो ना। चलो और इसको रास्ते से गिफ्ट भी लेके दियो। चल राखी आने वाली है, इसके लिए पूछ ले इसको क्या चाहिए, रास्ते में बता रही है। ठीक है भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस? पैर साफ कर रहा हूं। चीकू
बहन तो सो गई यार। तो जब मैम की बात जाएगी उठ जाएगी। कितने अच्छी अच्छी हरी भरी जगह हो रखी है, हर जगह हरी भरी हो रखी है। देखो गाइस अभी बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, कितना पानी नीचे जम गया। आंधी आए या तूफान, चीकू ट्यूशन जाना नहीं छोड़ता है ना जी। मैं छोड़ता हूँ। चीकू सांप पड़ा था कितना बड़ा। ये बताऊँ क्या पाइप है क्या चल रहा है, वो खाने वाने का कुछ आगे नहीं, कुछ बेचने के लिए बैठे हैं। चूड़ी है मम्मा के लिए कुछ ले। हाँ ले लो, चल चलते चीकू। हाँ राखी ले रहा हूँ। चोर तो कब का उठ गया। ओए आगे हम टूर। एक और गिफ्ट आया आपके लिए आज। ओए ये तो चुंगिया सी, इसको डरते भी डर लगता है। अब तो बहुत छोटे हो। किसके पास चले गए? ओए बिल्कुल चीकू जैसी लगती है ना। शर्म आ रही है इसको। तूबा देखो कितनी स्माइल दे रही है। जाओ आप, मैं तूबा को यहाँ पे रखूंगा। पागल है तू। मामा मामा मैं आ गया। घूमे घूमे चले। ये क्यों गया? मैं तो टीका लगाया था। देख रही है क्या होगा चिरमटू को? पहचान नहीं पा रही हमें। चिरमटू कहाँ हो गया? हाँ चिरमटू को कहाँ हुआ? मेरे चिरमटू को कहाँ हुआ? ये कैसे देख ले मेरे चिरमटू? दियो जरा। चलो ऊपर छत पे चलेंगे। चलो और देख के आते छत पे क्या माहौल है। क्या हो गया? कुछ नहीं, जिद कर रहे। क्या जिद कर रहा है चिकू? कह रहे मम्मी नई वाली दुकान खुली ना VIP रोड पे, वी लव टॉयज वाली। हाँ। कह रहे वहाँ पे लेके चलो। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, मतलब पायलो मैंने सोचा गाइस कि विशाल मेगा मार्ट में ना ऐसे टॉयज मिलते हैं चीकू, ऐसे टॉयज मिलते हैं दुनिया में कहीं नहीं है। LV का टॉय, गुची का टॉय, डियोर का टॉय, पराडा का टॉय, शनेल का टॉय, मतलब तू नाम ले ब्रांड का बता। चलो वहाँ पे, वहाँ ही चलते हैं। बता दे से पहले बता कौन सी जगह है वो। विशाल मेगा मार्ट जहाँ से आपके वो दूध वाली गिलास नहीं लिया था हमने, स्ट्रॉ वाला, वो तो डी मार्ट था। क्यों क्या हो गया? टॉय बहुत सारे मिलते हैं। आजा आपने अगर ज्यादा महंगा टॉय उठाया तो मैं लेके नहीं दूंगी। मैं तो 4,000 का टॉय उठाऊंगा। तो फिर मैं खाली हाथ लेके आऊंगी फिर वहाँ से। मैं लूंगा खाली हाथ आएगा तू। चीकू उधर गाड़ी स्टार्ट हो रही है, गाड़ी के पीछे खड़ा हो रहा है। चीकू मेरी बात सुन। वो जो गोलू माँ ने बताई ना दुकान, वहाँ पे बच्चों के सामान मिलते हैं। वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पे वॉकर मिलता है, शैम्पू कंडीशनर कपड़े बच्चों के, डायपर वाइपर, क्रीम पाउडर। अब बेटा अपना सिर तोड़ के तू कैसे रह लेगा फिर ये बता। ये चीज भी अच्छी है ना चीकू को, पढ़ना नहीं आता अभी अच्छे से पूरा तरीके से, चीज भी अच्छी है। सुन मेरी बात, एक काम करते हैं भैया टेलर के पास जाना। टेलर वहाँ है हमारा। तेरे को थोड़ी टेलर से दिला रहे कुछ, हम अपने सूट उठाएंगे आगे एक दुकान है टॉय की, वहाँ से दिला देंगे तुझे। चलो फिर। क्या हो गया इतना परेशान क्यों है? कुछ कब रहता है? क्या हो गया? कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। मेरा गाना कॉपी मत करो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कुकी शॉप पर, बहुत ही प्यारी बेकरी मिली है, बट मेरे को ना पेस्ट्रीज पसंद नहीं है। चीकू खाएगा पेस्ट्री और पाई मैं लूंगी होममेड कुकीज। चीकू टॉय की शॉप आ गई है, ध्यान से नीचे देखो। आराम से आइयो, आराम से सीढ़ियों से नीचे उतर के टॉय की शॉप, गिर मत जाइयो। बहुत बड़ी टॉय की शॉप है, दिखा दूँ? यहाँ पे ना दूर दूर तक टॉयज ही टॉयज है, पता है? यहाँ पे रिमोट कंट्रोल गाड़ी भी है। चलो 1 2 3 जी। अब बेकरी से कुछ खाने का ले लूँगा। टॉय शॉप पे तो जा ही नहीं रहे हम, हमारा प्रैंक था ये। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक कर रही हूँ मजाक। चीकू क्या है? चलो यहाँ से चलो चलो चीकू चल ले जगह। बेटा देखो देखो सब देख रहे हैं, मत ऐसे कर। तो इसी लड़के को ना बाहर लेकर जाना इतना बड़ा रिस्क होता है ना, जगह 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 जगह। देख पालिस को ना ऐसे घुमा रही है, ऐसे होता नहीं है। कैसे छोटा भाई, एक भी छोटे भाई को देख लू कैसा लग रहा है। छोटे भाई टॉय शॉप चले या ना चले? चलो राखी, जब राखी का गिफ्ट लेने ले लो। नहीं बेटा अभी राखी बहुत दूर है, रख दो थोड़ी देर में लेंगे, थोड़े दिन में। ठीक है चीकू, कितनी बार ले गए पेन? कोई पेन चलाता नहीं है ना, पेंसिल चलाता है और ले रहा है। नहीं लेना। और ये क्या ले गया आपने? ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी उठा रहा है। क्या बोला तूने? ऐसे समझ नहीं आया मुझे, क्या बोला था? बिल तो मेरे को कराना है, जब बिल कराऊंगी हटा दूंगी। चीकू इधर आ, इधर आ, पता है सुन, इधर आ सुन, इधर देखना। मम्मी पता है क्या बोल रही थी? जो तूने स्लाइम ली थी ना, मम्मी कहती बिल तो मुझे कराना है, जब बिल के पास जाऊंगी ना स्लाइम हटा दूंगी। भाग चीकू भाग, अपनी स्लाइम के लिए भाग। चाइना मैंने ये देखा था मुझे, एक सेकंड ये चाइना कब गया?
तुझे है ना कब तू तो कोई है चाइना मैंने वीडियो पर देखा था शॉर्ट्स में ऐसे लेके जा सकते हैं कैसे जी पापा का क्या ये ले लो ये यूजफुल चीज है पूरी दबा के मार लो यूजफुल चीज है लोगों के सामने ना ऊपर टर्म तो गाइस जैसा कि आपको पता है थोड़े दिन पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि चीकू के साथ कुछ प्रैंक करो तो चीकू के साथ हम करने वाले हैं प्रैंक लेकिन मैंने पहले आपको बोला था कि वो ना प्रैंक के साथ बहुत जोर से रोने लग जाता है अगर वो रो पड़े तो मुझे मत बोलना कुछ क्योंकि ये प्रैंक आप लोगों के कहने की वजह से मैं कर रही हूँ प्रैंक क्या है चीकू ने थोड़े दिन पहले एक पेपर पढ़ा था नीचे सोसाइटी में लगा हुआ था वो पेपर पढ़ा था और वो पेपर मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ठीक है लेकिन वो उसने पढ़ा था उसकी गलती थी तो उसी के लिए ना मैंने एक नोटिस बनाया है कि सोसाइटी से नोटिस आया और हमें 3,000 रुपये भरने हैं नीचे तो जो चीकू के एक्सप्रेशन होंगे वो देख लेना आप चलो मेरे साथ किस चीज़ का नोटिस आया मुझे नोटिस आज तक ना मैं तेरी चमड़ी उधेड़ूंगी आज रुक जा नोटिस क्या करके आया जल्दी बोल क्या किया खुद ही बता दे मैंने नोटिस में पढ़ लिया था बहुत मारूंगी जल्दी बता क्या किया तूने कौन सा पेपर फाड़ा है राहुल तेरे पास नोटिस आया था ना फाइल किससे पूछ के फाड़ा किसे पूछ के फाड़ा इधर आ जा ये मुझे तू वो जो लेके आया सारा सामान वापस भेजा दिया नहीं मम्मा नहीं बाबा नहीं इधर इधर आ इधर से ये मुझे तू रोना तो तेरे को तब आया जब मैंने बोला सामान वापस भिजवा दो तब सोसाइटी का नाम लिखा है डियर मैम इज वेरी सैड टू इन्फॉर्म दैट योर चाइल्ड चिरायु मलिक इज डूइंग अ लॉट ऑफ मिसचीफ इन होल सोसाइटी एंड ट्रबलिंग एवरीवन मतलब बहुत ज्यादा बदतमीज करता है और लोगों को परेशान करता है और आज हमने चेक करा कैमरे के अंदर ही हैज थ्रोन द नोटिस बोर्ड फ्रॉम द लिफ्ट नोटिस बोर्ड पे कोई पेपर लगा होगा इसने लिफ्ट से वो मतलब उतार के फाड़ा एंड डिड दिस सो नोटिस सेंड दैट्स व्हाई अ नोटिस यू हैव टू पे 3,000 व्हाट ही डिड इन लिफ्ट हाउ एंड टीच योर सम मैनर्स 3,000 रुपए मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि बदतमीज बच्चा एक नंबर का लोगों को परेशान करता है इसे मैनर्स सिखाओ सुन पायल इसको मैं डॉक्यूमेंट करूं या पापा को कैसे भेजूं इस पीडीएफ को है वो स्कैन करवा बता दे 3,000 मांग रहे हैं 3,000 रुपए मांग रहे हैं 3,000 रुपए भैया 3,000 रुपए मांग रहे हैं हमारे पास तो है नहीं पैसे हमारे फालतू के पैसे नहीं है ना दे पढ़ ले तू पढ़ ले एक बार तूने पढ़ ले मैंने पढ़ ले बात ले तू पढ़ स्कूल जाते ना पढ़ क्या लिखा है पढ़ना आता है पढ़ना क्या है दियो इसके पापा को भेजनी है जिसके पापा को भेज इसके पापा बताएंगे मैं तो कुछ नहीं कह रही मैं तो कुछ नहीं कह रही वो सामान लेकर आती हूँ पहले वापस भी जाऊंगी तूने क्यों किया सब ये एक प्रैंक था प्रैंक था बेटा क्या प्रैंक था प्रैंक था दिस इज अच्छा ये प्रैंक हो जाएगा पेपर फाड़ा था नहीं झूठ है फाड़ा था अगली बार करेगा नहीं तो इसका मैं चल ला दे थोड़ा मसाला तो गाइस चीकू का प्रैंक यही एंड करते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं खत्म तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय